समस्तीपुर जिले के ताजपुर प्रखंड एवं आसपास के इलाकों में जलजमाव की वजह से किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। आपको बता दें कि नून नदी से ओवरफ्लो हुए पानी तथा लगातार बरसात की वजहों से इस इलाके में जलजमाव की समस्या है, जिसकी वजहों से फसलों के उत्पादन पर लगातार संकट है। किसान परेशान है, लोगों के जीवन तंगहाल है। छोटी छोटी बस्तियों और निचले इलाके में रहने वाले बसावटों में जलजमाव की वजह से परेशानी है। कई घरों के आसपास महीनों से जलजमाव लगा हुआ है, कहीं पर पिछवाड़े में जलजमाव है तो कहीं पर घरों के आगे जलजमाव है, दरवाजों पर जलजमाव की वजहों से अलग परेशानी है। एक तरफ जहां फसल के उत्पादन पर संकट है तो दूसरी तरफ किसानों एवं मजदूरों में आर्थिक तंगी है। ए टू जेड न्यूज लाइव टीम की यह एक्सक्लूसिव स्पॉट लाइव रिपोर्ट। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि समस्तीपुर जिले के ताजपुर में जलजमाव की तबाही से किसान परेशान हैं, फसलों के उत्पादन पर संकट उत्पन्न हो गया है। यह जो इलाका है, आपको बता दें, क्षेत्र ताजपुर का हिस्सा है, जहां जलजमाव की वजहों से लगातार लोग परेशान हैं, किसानों को परेशानी हो रही है। किसानों को बताना है कि धान की फसलें ज़्यादा डैमेज होती हैं, उसके अलावे सब्जी उत्पादक किसानों की बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि सब्जी उत्पादन से पहले ही नष्ट हो गया है। कई खेतों में सब्जी थी भी तो वह नष्ट हो गया है। जल जमाव जो होता है उसको जल निकासी के लिए यहाँ कोई बंदोबस्त नहीं किए गए हैं, कोई उपाय नहीं है। किसान लगातार परेशान हैं और सरकारी मदद का आस नहीं है। जनप्रतिनिधि कभी इस मसले को गंभीरता के साथ लेते नहीं है, जिसके वजह से परेशानी है। ताजपुर के विभिन्न हिस्सों में लोगों से हमने बातचीत की, किसानों ने जो बताया, मजदूरों ने बताया, काफी उदासी का भाव इनके चेहरे से दिखा। जल जमाव से सबसे ज्यादा मवेशी को दिक्कत है, पर अगली फसल में आया गया और अगली फसल भी, उससे अगली फसल भी मार खाने के उम्मीद आ गया है। तो तिलहन मारा गया, धान तो साथे है, अब गेहूँ मकई ये सब का भी, अब देखिए अगर हल्का भी बारिश अब हो गई तो वो भी घरों में भी पानी चला जाता है जल जमाव से। हाँ, कहीं लगातार बारिश के कारण जल जमाव की समस्या से लोगों का जीवन बदहाल बना हुआ है। चार पंचायत ऐसे पंचायत हैं कि जहां नून नदी के तट के किनारे बसे हुए हैं, जिसमें कि हमारा मुरादपुर बंगरा, गौसपुर सरसौना, माधोपुर जघरुआ और कोठिया पंचायत आता है। इस पंचायत के लगभग आधे दर्जन से अधिक गांव इस नून नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ के चपेट में आ गया, जहां की निचली इलाकों में लगभग 3 महीनों से बाढ़ का नदी का पानी को लेकर जल जमाव की स्थिति बनी है। वहीं लोगों की दयनीय स्थिति बनी हुई, हम अभी जहाँ खड़ा है वहाँ उसके देखिए पीछे में भी जल जमाव की एक उदाहरण है। यहाँ भी घर के पीछे पूरा जल जमाव के कारण लोगों की परेशानी बनी हुई है। लोगों के बीच में जो शौचालय बना हुआ था, शौचालय में पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को दैनिक क्रियाकलाप में भारी परेशानी की हो रही है। जल जमाव से हम लोगों के यहाँ न तम्बाकू रोपा जा रहा है, न रबी फसल का है, न धान तो चला ही गया। ये तीनों फसल हम लोगों का जो प्रमुख फसल है वो सब चला गया, सब्जी जो था वो सब नष्ट हो चुका है। अच्छा, ये बताइए कि रबी फसल कैसे, आपको ये बाढ़ का पानी, जल जमाव का पानी कैसे प्रभावित करेगा? अभी नून नदी से जो पानी आ रहा है वो हम लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो क्या ये रबी फसल को भी प्रभावित करेगा? करेगा। तो मतलब कि कैसे प्रभावित करेगा, कितने दिनों तक ये जल जमाव की स्थिति बनी रहेगी? लगभग दिसंबर लास्ट जनवरी, मानी 15 जनवरी तक ये पानी लगा रहेगा। ताजपुर प्रखंड सब्जी उत्पादक यहाँ पे ज़्यादा किसान हैं, और ये जो हमारा बंगरा है, सरसौना है, रजबा है, इसमें अधिकांश किसान यहाँ सब्जी का खेती करते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इस बारिश के कारण, जल जमाव के कारण हमारे प्रखंड क्षेत्र का लगभग 400 से 500 एकड़ जमीन पानी से प्रभावित है, जहाँ सारा जो किसान है वहाँ जो सब्जी लगा हुआ था वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। तो जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं कि मछुआरों के द्वारा यहाँ जलकर लगाया गया है और यहाँ मछली मारने का काम किया जाता है, और जल जमाव जो है इस चौर के हिस्से में, इसकी निकासी पर इस तरीके से संकट उत्पन्न होता है। ये जल जमाव की स्थिति से क्या परेशानी होती है? लोगों का खेती फसल नुकसान है सर, धान लगाए वो भी डूब गया, गेहूँ भी आगे नहीं होगा, और अभी बारिश जैसे हो रहा है कोई फसल नहीं होगा। तो फिर क्या होगा आगे? वही मछली पालन करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जब खेती ही नहीं होगा, जब धान डूब गया, गेहूँ खत्म है, तो अब क्या होगा? आपको बता दें कि इस तरह का जो समस्या है, जहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, ताजपुर के अंचल अधिकारी को भी इस मामले में समय समय पर पहल करने की जरूरत है। तो जल जमाव का वजह क्या है? नदी से पानी आती है या बारिश का पानी? बारिश का पानी, यहाँ से पानी निकलता नहीं है, किसी कोई नदी से या किसी
नहर के मार्फत से कहीं नहर नहीं बना हुआ है, नजीर है वहाँ है चौथगढ़ नहर नदी के पास, लेकिन उसमें चौर का पानी नहीं निकासी नहीं होता है, वहाँ से आता है पानी लेकिन जाता नहीं। ये तो सर हम लोग अंदाज अनुमान लगा रहे हैं कि दिसंबर तक भी गेहूँ हम लोगों का नहीं, साल के 6 महीने जल जमाव रहता है। जी जी, यहाँ के लोगों का बताना है कि प्रखंड स्तरीय अधिकारी भी रोकते टोकते रहे तो ज़्यादातर जल जमाव का जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है, और इलाके में जल जमाव की समस्या की वजह से पिछले 3-4 महीने तक कई निचले इलाके में बसे हुए लोगों के घरों में भी जल जमाव रहता है, घरों के आसपास भी जल जमाव रहता है, जिसके वजह से कई बार लोग घटना के भी शिकार होते रहते हैं। सर ये जल जमाव पर कोई प्रतिनिधि अभी तक ध्यान नहीं दिए, एक बार हम लोग नित्यानंद राय जी आए थे हमारे माननीय सांसद जी, उनको कहा हम लोगों ने घेराव करके कहा तो वो कहे कि नहर का प्रावधान हो रहा है, बनेगा बनेगा, पता नहीं अगले साल तक बने बने नहीं बने। पहले विद्यासागर जी थे तो वो हम लोगों को बोले क्या जल निकासी नहीं हो रहा है ज्यादा, जब जल जम गया तो आप लोग भी मछली पालन कीजिए। लगातार बारिश की वजह से इस इलाके में जल जमाव रहता है। नित्यानंद राय यहां से सांसद हैं, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से वे सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनसे इलाके के लोगों को काफी उम्मीदें भी थी, लेकिन बावजूद उन्होंने जल निकासी के इस मुद्दे पर कभी गंभीरता से काम नहीं किया, जिसके वजह से लोगों में निराशा भी है। स्थानीय विधायक भी कभी इस मसले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। दीपक कुमार तिवारी, A2ZD न्यूज लाइव, ताजपुर समस्तीपुर बिहार।